हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। मैंने अपनी पिछली वीडियो में आप लोगों को एक हीना पैक लगा के दिखाया था, ये नहीं बताया था कि मैंने उसके अंदर क्या क्या डाला है। आज उसी वीडियो को हम कवर करेंगे। मैं आप लोगों को बताऊंगी कि आपको उसके अंदर कौन से इंग्रेडिएंट्स, अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे इंग्रेडिएंट्स आपको उसके अंदर डालने हैं। अगर आपके हेयर में वॉल्यूम नहीं है तो ये वाली होम रेमेडी आपके हेयर में वॉल्यूम लेके आएगी, आपके हेयर को मोटा बनाएगी, घना बनाएगी, डैंड्रफ फ्री बनाएगी, हेयर फॉल को रोक देगी, सिल्की शाइनी स्मूथ और वाइट बाल हो चुके हैं बहुत अच्छे से कवर कर देगी उनको भी। इतना ज़बरदस्त, इतना घरेलू, इतना इफेक्टिव होम रेमेडी है। क्योंकि जब मैंने खुद इसको लगाने के बाद हेयर वॉश किए, फिर कॉम्ब किया, तो मैं आप लोगों को बता नहीं सकती कि कितना अमेजिंग और बिल्कुल हैरान करने वाला इफेक्टिव रिजल्ट था इसका। मेरे केवल 4 से 5 बाल ही टूटे इसको लगाने के बाद। अगर आप चाहते हैं आपके हेयर में वॉल्यूम आए, आपके हेयर्स भी घने और जो भी प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाए, तो प्लीज़ एक बार मेरे कहने पर इस हेयर पैक को लगा के देखें। अगर आप सिंपल वाली हीना लगाते हैं वो बंद करें, और जिस तरीके से आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि किस तरीके से आपको हीना लगानी चाहिए, अगर आप ये वाला तरीका अपना लेंगे तो आपके हेयर डेफिनेटली बहुत अच्छे बनेंगे। तो फिर चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं हम अपना आज का वीडियो। लेकिन अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को शेयर करें, क्योंकि आज के टाइम पर गर्ल्स की बड़ी प्रॉब्लम है कि उनके हेयर में वॉल्यूम नहीं है। तो उनकी प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए और अच्छी अच्छी दुआएं पाने के लिए प्लीज़ जितना हो सके वीडियो को शेयर करें, और लाइक तो बनता ही है, बेल आइकन को पक्का प्रेस करें। नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद होगा। तो फिर चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो सबसे पहले हमें करना है पानी को गर्म। मैंने यहाँ पर फिल्टर वाला पानी लिया है, 2.5 से 3 गिलास लिए हैं। आप अपने हेयर के अकॉर्डिंग, अपने हीना पैक के अकॉर्डिंग पानी ले सकते हैं। फिर आपको इसके अंदर डालना है चाय पत्ती। जी हाँ फ्रेंड, चाय पत्ती बताएं आपको आपके हेयर्स पे अच्छा सा कलर, आपके हेयर को शाइनी सिल्की बनाने में बहुत मदद करती है, बहुत ज़्यादा। हमने इसके अंदर डाल लेना है चाय पत्ती, जितनी भी आप एक मुट्ठी भर चाहें या फिर 3 से 4 चम्मच आप चाय पत्ती डाल सकते हैं। और ये देखिए इसने कितना अच्छा कलर छोड़ दिया है। उसके बाद आपको इसके अंदर डालना है मेथी दाना। जी हाँ फ्रेंड, मेथी दाना इजीली कहीं पे भी मिल जाएगा आपको, आप इसको ले सकते हैं। लगभग भारतीय घरों में ये होता ही है, तो आपको लेना है मेथी दाना। मेथी दाना आपके हेयर की रीग्रोथ करता है। इसको मीडियम आंच पे इसी तरह से आपको पकाना है। ध्यान रहे, आंच मीडियम, हाई नहीं होनी चाहिए, मीडियम से लो। ओके, इस तरह से आपको थोड़ी देर के लिए इसको पकाना है। उसके बाद हमारा जो मेन इन्ग्रीडियंट्स है जिसको मैं अप्लाई करती हूँ हमेशा अपने हेयर पे, वो है प्याज। और देखिए मैंने रेड वाला प्याज लिया है, बेस्ट होता है आपके हेयर के लिए रेड वाला प्याज। सल्फर होता है, गंजे सिर पे बाल उगाता है प्याज। इस तरह से आपको कर लेना है। उसके बाद फिर आपको डालना है लास्ट में, जब आपको 5 मिनट हो जाए इसको पकाते पकाते, उसके बाद आपको डालना है गुड़हल के फूल। ये वाले फूल भी आपके स्कैल्प पे अगर बैक्टीरिया हैं गंदे, उनको ख़त्म करेगा, आपके हेयर की रीग्रोथ करेगा। बहुत बेनिफिशियल है ये वाला फ्लावर। लेकिन ध्यान में रहे, इसको आपको लास्ट में ही डालना है, पहले नहीं डालना है वरना ये जल जाएगा। हमारा पानी हो चुका है तैयार, DIY पानी, बहुत अच्छा प्यारा सा पानी। ये देखिए कलर कितना अच्छा आया है, छान लेना है आपको। फिर चलते हैं हम मेहंदी की तरफ। अगर आप चाहते हैं आपके हेयर्स काले बने तो उसके लिए आपको लोहे की ही कढ़ाई लेनी है, इससे कलर अच्छा आता है। और मैं यहाँ पे यूज कर रही हूँ पतंजलि की केश कांति मेहंदी, जो काफ़ी अच्छी है, और इसमें बहुत अच्छी अच्छी जड़ी बूटियाँ ली गई हैं जो आपके हेयर के लिए बहुत बेनिफिशियल हैं। आपको इजीली पतंजलि स्टोर पे मिल जाने वाली है। इसके मैं यहाँ पे ले रही हूँ 2 पैकेट, क्योंकि मेरे हेयर लंबे हैं तो इसलिए मैंने यहाँ पे लिए हैं इसके 2 पैकेट। आप चाहें अपने हेयर के अकॉर्डिंग और जो भी ब्रांड आपको पसंद है, लेकिन ध्यान में रहे कि आपको आयुर्वेदिक मतलब कि हर्बल ब्रांड ही लेना चाहिए जब आपके हेयर्स की बात आती है। तो खासकर जब आप कोई चीज़ अपने हेयर पे अप्लाई करते हैं, मेहंदी वगैरह या कोई पैक, तो आप हमेशा हर्बल आयुर्वेदिक चीज़ ही लें, वो आपके हेयर के लिए ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। और लोहे की कढ़ाई में अगर आप करेंगे ना तो काफ़ी 4 गुना 10 गुना ज़्यादा आपको रिजल्ट अच्छा मिलेगा। तो मैंने यहाँ पे लिए हैं 2 पैकेट।
मेहंदी के, और आपको वो जो पानी बनाया था ना उसको ठंडा होने के बाद यूज करना है आपको, आपको गर्म यूज नहीं करना है। फिर आपको इसके अंदर ऐड करना है हमारा DIY पानी। अगर ये वाला DIY पानी आप रेगुलर यूज करेंगे, और एक अच्छी बात इसकी ये है, जब आप अपने हेयर वॉश कर लेते हैं उसके बाद अगर आप सिर्फ इस पानी के साथ अपने हेयर वॉश करेंगे ना, तो भी आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलने वाला है। और अगर इसे आप मेहंदी के साथ लगाएंगे तो भी आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। अगर आप महंगे महंगे कलर्स लगा रहे हैं अपने हेयर को सिर्फ और सिर्फ काला बनाने के लिए, तो आप अपने हेयर के साथ गलत कर रहे हैं। तो आप कलर को छोड़ दें, और जो ये वाली आज DIY मेहंदी है आप एक बार इसको लगा के देखें। आप केवल हर्बल चीज़ें ही अपने हेयर्स पे लगाएं, वरना आपके हेयर और ज़्यादा वाइट होना स्टार्ट हो जाएंगे अगर आप केमिकल वाली चीज़ें अपने हेयर्स पे लगाएंगे तो। अगर ये वाला पैक लगाएंगे तो आपके हेयर ब्लैक बनना स्टार्ट हो जाएंगे, आपके हेयर की रीग्रोथ होगी, जड़ से मजबूत हो जाएंगे। अगर गंजापन महसूस हो रहा है आपको तो गंजापन भी आपका दूर हो जाएगा। बहुत इफ़ेक्टिव होम रेमेडी है, आपको इसे अच्छे तरह से मिक्स कर लेना है इस तरह से। अगर आपको ये लगे लास्ट में कि पानी थोड़ा सा कम है, तो आप इसी पानी के अंदर सिंपल वाला पानी भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन अलग से नहीं डालना है आपको, इसी पानी के अंदर ऐड करना है आपको सिंपल पानी। तो इस तरह से आप भिगोते जाएं, और भिगोते जाएंगे तो आपकी जो रेमेडी है वो तैयार होती जाएगी, और आप जब इसको अपने हेयर्स पे अप्लाई करेंगे तो आपको बहुत अच्छे अच्छे रिजल्ट मिलने वाले हैं। आपके हेयर काले बनेंगे, आपके हेयर्स में वॉल्यूम आएगी, और मेरा प्रॉमिस है आप लोगों से, अगर आप इसे लगाएंगे महीने में एक बार, आपको बहुत अच्छे अच्छे रिजल्ट मिलने स्टार्ट हो जाएंगे, लेकिन रेगुलर लगाना है। और हाँ, प्याज के साथ आप लहसुन का भी प्रयोग कर सकते हैं, लहसुन भी आपके हेयर के लिए अच्छा होता है, आपके हेयर को ब्लैक बनाने के लिए अच्छा होता है। तो इस तरह से ये देखिए हमने हमारा पानी बिल्कुल फिनिश कर दिया है, यहाँ पे अच्छी तरह से मिक्स कर ली है मेहंदी, और अभी से आप इसका कलर देख सकते हैं कितना अच्छा सा, कितना प्यारा सा कलर आया है। और लोहे की कढ़ाई तो बिल्कुल सोने पे सुहागे वाली बात हो जाती है। ये देखिए हमने तैयार कर ली है, अब हम इसको रख देंगे पूरी रात के लिए ऐसे ही ढक के, ताकि इसका कलर अच्छा सा आए। तो मैंने ढक दिया है और पूरी रात इसी तरह से छोड़ देंगे। अब नेक्स्ट डे जैसे ही आप प्लेट हटाएंगे, ढक्कन हटाएंगे, आपको जादू मिलेगा, मैजिक। ये देखिए कितनी ब्लैक ब्लैक हो चुकी है ना, ये साइड साइड से देखिएगा कितनी ब्लैक, जितनी ब्लैक ये मेहंदी हुई है ना, इतने ही आपके हेयर बनने वाले हैं। तो इस तरह से आप पूरी रात इसको रहने दें, जैसे जैसे आप इस पैक को लगाएंगे, रेगुलर लगाएंगे, आपके हेयर भी इस पैक की तरह, इस हीना की तरह ब्लैक होते जाएंगे। ये देखिए आप देख सकते हैं चारों तरफ से हमारी जो कढ़ाई है, हमारी जो मेहंदी है वो बिल्कुल ब्लैक बन चुकी है। तो आप समझ सकते हैं अगर आपको वाइट हेयर है वो भी इसी मेहंदी की तरह ब्लैक होने वाले हैं। इसको एक बार ज़रूर ट्राई करके देखिएगा। मैंने खुद इसको अपने हेयर्स पे अप्लाई किया है, इसीलिए मैं इतनी श्योरली आपको बता रही हूँ। ये देखिएगा मैंने इसको यहाँ पे लगाया, ये मैंने पिछली वीडियो में आप लोगों को बताया था कि किस तरह से लगाना है, और इस तरह से आपको कवर करके रखना है ताकि मेहंदी सूखे ना, क्योंकि सूख जाएगी तो हेयर फॉल होगा। तो इस तरह से 2 घंटे तक आपको रखना है। तो अगर आप लोग महीने में एक बार या महीने में 2 बार भी इस हीना पैक को लगा सकते हैं, सिंपल हीना बिल्कुल पानी में भिगो के ना लगाएं, जैसे मैंने आज आप लोगों को बताया है, अगर आप इस तरीके से हीना पैक लगाएंगे तो डेफिनेटली वॉल्यूम आएगी हेयर्स में, काले बनेंगे, घने बनेंगे, सिल्की बनेंगे, स्मूथ बनेंगे, हेयर फॉल रुक जाएगा, आपके हेयर की रीग्रोथ होगी। अगर आपको कहीं पे ये लग रहा है कि आपका हेयर उड़ चुका है, वहाँ पे आपके हेयर आना स्टार्ट हो जाएंगे। जी हाँ फ्रेंड, प्लीज़, लेकिन इसको आपको रेगुलर लगाना है, ये नहीं है कि आपके हेयर रातों रात ऐसे बन जाएंगे। अगर आप इसको महीने में 2 बार लगाएंगे, 1 बार भी लगाएंगे तो चलेगा, कोई बात नहीं, लेकिन अगर लगाएंगे ना तो डेफिनेटली आपके हेयर्स की सारी प्रॉब्लम छुमंतर हो जाएंगी, और आपको अच्छा इफेक्टिव रिजल्ट मिलेगा इस होम रेमेडी का।
तो फ्रेंड्स ये था आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आया है, सच्ची में पसंद आया है, अगर आपके दिल को छुआ है वीडियो ने, तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मैं मिलती हूँ आपको एक और बेहतरीन वीडियो के साथ, तब तक के लिए वो थोड़ा पानी पिए, खुश रहें, खुश रखें, बाय।